नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी टॉपिक है, वीडियो का नाम है बेड वेटिंग। तो बेड वेटिंग मतलब कि बिस्तर गीला कर देना। बच्चे जो है वो छोटे होते हैं तो उसको हम सिखाते हैं कि पहले तो हम डायपर में वो पोटी कर देता है या सुसु कर देता है, लेकिन जब जब बड़ा होता है बच्चा तो उसको हम सिखाते हैं कि बाथरूम में जाना है यूरिन पास करने के लिए। लेकिन वो बच्चा दिन में तो कर लेता है, लेकिन रात में सो जाता है तो बाथरूम में जाने का याद नहीं आता है। नींद में ही पथारी गीली कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। तो वैसे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए? और इतनी ठंडी होती है कि ठंडी में भी गीले में कर देते हैं, और हमारी जो बेड होती है वो रुई की होती है तो वो भी हम सुखा नहीं सकते, उसको भी अलग से हमें अलग जगह पे सुलाना पड़ता है। तो आजकल तो कितने अच्छे अच्छे महंगे महंगे पलंग होते हैं कि वो पलंग गीला कर देते हैं। तो फ्लैट में तो इतनी व्यवस्था भी नहीं होती है कि छत के ऊपर जाए और पलंग को सुखा सके। तो वैसे बच्चों को क्या किया जाए? हम डांटेंगे, उसको धमकाएंगे, उसके ऊपर क्रोध करेंगे, पूरे दिन याद दिलाएंगे, समझाएंगे कि बेड में गीला नहीं करना है, लेकिन बच्चा जो है उसको कंट्रोल में नहीं होता है और वो सुसु कर देता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 10 साल तक भी ऐसा होता है, 12 साल तक होता है, और कभी कभी ऐसे बच्चों के केस भी आते हैं कि 15 साल की उम्र तक भी ये बेड वेटिंग कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के पेट के अंदर जरूर से कृमि होता है। ये जो कृमि मतलब जंतु, तो ये जो जंतु होते हैं वो क्यों आते हैं पेट के अंदर और क्यों बच्चे को पता नहीं चलता है और बिस्तर गीला हो जाता है? तो ये जंतु का एक ही कारण है, दूध और दूध की प्रोडक्ट, मिल्क और चाय और छाछ, दही, घी, मक्खन, चीज, पनीर, ये सारी चीज है, आइसक्रीम्स, मिठाई, चॉकलेट्स, ये सारी चीज है वो मीठी होती है और वो मिल्क की प्रोडक्ट से बनाई हुई होती है। तो बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट देना बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे उनको काजू का दूध, बादाम का दूध, या तो फिर मूंगफली का दूध, या फिर तिल का दूध, या तो फिर जो अमेरिकन भुट्टा आता है मकई, उसका दूध पिलाइए, या तो फिर सनफ्लावर का दूध, पम्पकिन का दूध, मेलन का दूध। ये जो सारे सीड्स अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो ये जो सीड्स होते हैं, दाने होते हैं या ड्राई फ्रूट होता है, तो उसको 2-3 घंटे भिगो के रखना है, फिर उसको मिक्सी में चर्न कर देना है और फिर उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के वो मिल्क बना के बच्चों को देना है। ऐसा अगर दूध पियोगे, बच्चे को पिलाओगे, तो याद शक्ति भी बढ़ेगी, शक्ति स्फूर्ति भी बढ़ेगी और कीड़े भी पेट के अंदर नहीं पड़ेंगे। जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, तो हर एक के अंदर कीड़ा होता है, चाहे आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, या 50 साल के हो, या 80 साल के हो, सबके पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं। क्योंकि पेट के अंदर गेहूं होता है, रोटी होती है, दाल होती है, चावल होती है, हजम नहीं हुआ होता है। 18 घंटे के बाद एक भोजन हजम होता है और हर 8 घंटे पे हम खाने लगते हैं। सुबह चाय नाश्ता करते हैं, उसके साथ भाखरी खाते हैं, रोटला खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, हम खाखरा खाते हैं, ढेबरा खाते हैं, थेपला खाते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, और मिल्क की प्रोडक्ट हम बंद नहीं करते हैं। ये जो एनिमल प्रोडक्ट है वो एनिमल के बच्चों के लिए है। हमारे शरीर के अंदर, लेडीज के अंदर जब डिलीवरी होती है तो उसके बच्चे के लिए दूध आता है।
तो माँ का दूध पीना चाहिए, लेकिन अपनी माँ का, गाय माता का नहीं, अपनी माता का दूध पीना चाहिए जब तक दांत नहीं आते हैं तब तक। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है कि बच्चों को जन्म से ही माँ दूध नहीं पिला पाती है, क्योंकि माँ को दूध नहीं आ रहा है तो बाहर का टीन पैक पाउडर ले आएंगे, या फिर बकरी का दूध ढूंढने जाएंगे, या फिर गाय का दूध ढूंढने जाएंगे। स्पेशल अभी अभी तो कोई डेयरी वालों ने ऐसा भी दूध बनाया है कि किड्स वाला का दूध जो एकदम पतला होता है। तो ऐसे ऐसे दूध जो होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, तो बच्चों को इससे सर्दी खांसी जुखाम उधरस ये भी सब हो जाता है, डायरिया हो जाता है और उसको वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है। लेकिन माँ को पता नहीं है कि क्या खिलाने का है, रोटी को मिक्सचर में पीस के उसको दूध डाल के पिला देते हैं, दाल चावल को पीस के पिला देते हैं, खिचड़ी को पीस के पिला देते हैं, बच्चों को पकड़ पकड़ के मार मार के डांट डांट के खिला देते हैं। इसकी वजह से ये सब परिणाम आता है। बच्चों को खेलने में, पढ़ने में, या फिर कुछ भी करने में, खाने में आप जितना डांटोगे वो सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और वो रात को डर के मारे उसको बैड वेटिंग हो जाता है। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए। जो भी खेलता है आप हर बार डांटोगे कि ये टच ना करो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, गिर जाओगे, ये कर दोगे। अगर एक बार गिर गया तो पता चलेगा कि क्या होता है, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, जो भी होता है, तो एक बार गिरने दो। लेकिन बार बार आप टोकते रहते हो तो बच्चों के दिमाग के अंदर डर घुस जाता है कि अभी मम्मी बोलेगी, अभी पापा बोलेंगे, अभी दादा बोलेंगे, अभी नाना बोलेंगे, अभी अंकल बोलेंगे, अभी आंटी बोलेंगे। सब लोग डांटने के लिए पीछे पड़े होते हैं कि बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये जो सारा पूरे दिन का शेड्यूल होता है उसमें बच्चों को डर लगता है और उसकी वजह से रात को ऐसा सब होता है। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को जो करना हो वो नहीं करने देते हैं, तभी भी ऐसा होता है कि जैसे उसको खेलने जाना है हम पढ़ाई करने बैठा देते हैं, उसको टीवी देखना है हम पढ़ाई करने बैठा देते हैं, उसको कुछ भी करना होता है हम नहीं करने देते हैं। स्कूल से आते हैं तो एक जूता यहाँ फेंकते हैं, एक जूता वहां पे फेंकते हैं, फिर हम डांटते हैं, फिर वो बच्चों को जो है वो डर लग जाता है। तो बच्चों को एक बार सिखा देना चाहिए, लेकिन बार बार हमें उसको कहना नहीं है, टोकना नहीं है, हर बार टोक टोक करते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो बच्चों को मिल्क की प्रोडक्ट, एनिमल की प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट आज से बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे उनको, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट खिलाइए, फ्रेश जूस पिलाइए और फ्रेश जो है वो वेजिटेबल्स खिलाइए, सलाड बना के खिलाइए उनको। अलग अलग कलरफुल लंच बॉक्स दीजिए। आज लंच बॉक्स में आपने स्ट्रॉबेरी दी है तो रेड कलर हो गया, कल जो है वो ग्रेप्स हो गई तो ग्रीन कलर हो गया, फिर एक दिन बनाना दीजिए, एक दिन टमाटर दे दीजिए। तो ऐसा आप कलरफुल कलरफुल टेस्टफुल खट्टा मीठा तीखा ऐसा सब कुछ आप लंच बेस दे सकते हो। अगर लंच में आप पैकेट फूड दे दोगे तो भी प्रॉब्लम आएगा उनको। अगर बाहर की जूस पीने की आदत हो गई है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स आता है बाहर के वो पी लेते हैं, तो भी ऐसा होता है। तो जितना हो सके इतना बाहर का खाना अवॉइड करना है तो ये बैड वेटिंग का प्रॉब्लम चला जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करना है, इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं है, मम्मी को पकाया हुआ खाना खिलाना नहीं है तो भी बच्चे ठीक हो जाएंगे। बच्चों को टाइम टाइम पे खाना देते हैं ये भी गलत बात है, बच्चों को जब भूख लगे, जब 4 बार मांगे फिर उसके बाद देना है। अभी तो मैंने ऐसा देखा है कि टाइम हुआ नहीं, बच्चों को पीछे पड़ जाते हैं, खा लो, मुंह में से निकाल देते हैं तो मोबाइल दे देते हैं कि खा लो, पोएम बताएंगे कि खाओ, फिर बर्ड्स बताएंगे कि खाओ, टीवी चालू कर देंगे कि खाओ,
कुछ न कुछ करके उनको खिला देते हैं। मैंने तो एक माँ को ऐसा भी देखा है कि लिफ्ट में ऊपर ले जाती थी, नीचे ले आती थी और खिला देती थी। बाथरूम के कमोड़ के ऊपर फ्लश चालू करके पानी दिखाती थी और फिर खिला देती थी। तो ऐसे बच्चों को बेड वेटिंग हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो है वो हमेशा डरे हुए रहते हैं। तो बच्चों को चॉइस देनी है कि दाल चावल खाना है कि बनाना खाना है। फिर आप चॉइस देना है कि रोटी खानी है कि आपको एप्पल खाना है। फिर आपको चॉइस देनी है कि खिचड़ी देनी है या ये खाना है, आइसक्रीम खाना है कि इससे अच्छा है फ्रेश ऑरेंज का जूस पीना है। तो बच्चों को आप चॉइस दोगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन आप जन्म से उसको चॉकलेट देते हो, आइसक्रीम खिला देते हो, फिर वो बच्चे हैं वो वही डिमांड करते हैं। तो आपके घर पे 1 साल का बच्चा हो या 15 साल का बच्चा हो, बेड वेटिंग करता हो तो उसको एनीमा करवाना है। ये एनीमा 100 ml से चालू करो, 200 ml कराओ, 300 ml कराओ, 400 ml, 500 ml, 600 ml, कितना भी करा सकते हो, 1.5 लीटर तक करा सकते हो। तो सुबह में भी एनीमा कराओ, रात को भी एनीमा कराओ, तो बेड वेटिंग का प्रॉब्लम चला जाएगा। और हो सके इतना शाम के 8 बजे के बाद पानी कम पिलाइए, 8 बजे के बाद जूस नहीं देना है। ज्यादा से ज्यादा लंच और डिनर और जो भी रात का भोजन होता है वो सारा कुछ 8 बजे समाप्त कर देना है। और रात को भी आपको ऐसा करना है कि उठा के बच्चों को ले जाइए बाथरूम में और उनको टॉयलेट करवाना सिखा दीजिए। 3-4 घंटे, 3-4 घंटे पे माँ को अलार्म रख के फिर उनको बच्चों को उठाने की आदत करके फिर उसको बाथरूम में ले जाके वॉशरूम में उनको टॉयलेट करा सकते हैं। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे आदत छूट जाएगी और गलत आदत जो है वो चली जाएगी। लेकिन इसके लिए कोई दवाई नहीं लानी है और कोई इसके डॉक्टर को दिखाना नहीं है। सिर्फ उसको पकाया हुआ भोजन कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खिलाइए तो आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम चला जाएगा। बहुत सारे मम्मियों की ऐसी डिमांड थी कि बेड वेटिंग की आपने वीडियो नहीं बनाई है, हमारे बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कृमि हो रहा है, पूरे दिन चिड़चिड़ापन करता रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उनको गन्ने का जूस आप पिला सकते हो, नारियल पानी पिला सकते हो, या तो फिर आप ऑरेंज का जूस पिला सकते हो, ऐसा कोई भी पाइनएप्पल का जूस और अनार का जूस या फिर अंगूर का जूस, कोई भी जूस पिला सकते हो। ऐसा ऐसा जूस पिलाओगे तो धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो सदा आपके बच्चे स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप कॉल करो। और अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारणपुरा में एनडीएस हेल्थ सेंटर पे, तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। तो सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।